السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم आश्ती दिलबस्तगी आपस की भाईचारगी दिलनवाजी दोस्ती हर धर्म का पैगाम है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयान। मोहतरम सामेईन बिरादरान वतन मुअज्जज़ उलमाए किराम बिरादरान इस्लाम अजीज तलबा पर्दा नशी माँ व बहन अल्लाह तबारक ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला हमें आपको अपने कुदरती हाथ से अशरफुल मखलूकात के शर्फ अजीम से नवाजा। मजीद अल्लाह तबारक ताला पूरी दुनिया और दुनिया की हर चीज यानी हैवानात नबातात जमादात को हमारे फायदे के लिए पैदा फरमाया। मोहतरम बिरादराने मिल्लत बिरादराने वतन इंसान शरीफ वो अशरफ व अफजल मखलूक है। अल्लाह ताला को जिस कदर मोहब्बत इंसान से है किसी और मखलूक से नहीं है। अल्लाह तबारक ताला खुद इरशाद फरमाती हैं इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम के अल्लाह तबारक ताला तमाम इंसानों पर शफ़क़त व रहम करने वाला है। मजीद अल्लाह का फरमान है लकद खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम कि हमने इंसान को आला पैमाने पर पैदा किया। बिरादराने वतन मुअज़्ज़ज़ सामेईन आइए हम इंसानियत के तकाजे के सिलसिले में कुछ बातें समाप्त फरमाएं। मेरे मोहतरम इंस जमा अनासी बमाना आदमी व इंसान उसका माखज उन्स है यानी उन्सियत तो मोहब्बत। इसलिए इंसानी जिंदगी उन्सियत मोहब्बत के बगैर गुजरने मुश्किल ही नहीं बल्कि मुहाल है। इंसान मदनी तबा वाक़ हुआ है फितरतन इत्तिहाद इत्तिफाक के साथ मिलजुल कर रहने वाला है। मेरे मोहतरम बिरादराने वतन इंसानियत का तकाजा इंसान चाहे किसी भी मुल्क का हो इंसान चाहे किसी भी मजहब व धर्म के मानने वाला हो इंसान चाहे किसी भी स्टेट का मानने वाला रहने वाला हो इंसान चाहे हिंदू हो मुस्लिम सिख हो या ईसाई यहूदी हो नसारा अलगरद इंडिया के हर फर्द इंसान का आपस में इत्तिहाद इत्तिफाक उख़्वत व भाईचारगी और हमदर्दी के साथ जिंदगी बसर करना जरूरी है क्योंकि हम इंसान एक माँ बाप यानी आदम और हव्वा की औलाद हैं। हम सब भाई भाई हैं। हमारा फरीजा बनता है कि हम एक दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर उसको दूर करने की फिक्र करें। मेरे मोहतरम हर मजहब और धर्म का पैगाम है। इसी तरीके से हर मजहब के पेशवाओं का पीरो पैगंबर का पैगाम और उसकी नसीहत है कि इंसान आपस में इत्तिहाद इत्तिफाक उख़्वत व भाईचारगी के साथ जिंदगी बसर करे। शायर कहता है आश्ती दिलबस्तगी आपस की भाईचारगी आश्ती दिलबस्तगी आपस की भाईचारगी दिल नवाजी दोस्ती हर धर्म का पैगाम है।
दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के लिए कुछ कम न थे करो बयां। पीरो पैगंबर का अवतारों का कहना है यही, पीरो पैगंबर का अवतारों का कहना है यही, नाम पर मजहब के लड़ना बुजदिलों का काम है। मेरे बिरादरान वतन, जिम्मेदारान मुल्क, बिरादरान इस्लाम, इंसान का आपस में लड़ना झगड़ना, कत्ल क़िताल, दंगा फसाद फैलाना, एक ताकतवर इंसान कमजोरों पर जुल्म करना और इंसान को मुख्तलिफ तरीक से परेशान करना, ये इंसानियत के तकाजे के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। अगर वह एक जानवर की सिफत है, अगर इंसान के अंदर यही सिफत और खासियत है, जिस तरह से एक ताकतवर जानवर कमजोरों पर जुल्म करता है, कमजोरों को सताता है, बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यही सिफत और खासियत अगर इंसान के अंदर हो तो हकीकत माने में वह इंसान इंसान नहीं है, इंसान की शक्ल में दरिंदा है। ऐसे इंसानों को दुनिया के अंदर बसने का हक नहीं है। इसलिए शायर कहता है, जब अपनी बुलंदी से इंसान उतर जाए, जब अपनी बुलंदी से इंसान उतर जाए, एक बोझ है धरती का बेहतर है कि मर जाए। इंसानियत का दुश्मन इंसान बन गया है, इंसानियत का दुश्मन इंसान बन गया है, रब को भूल बैठा अनजान बन गया है। मोहतरम बिरादरान वतन, मुअज्ज़ज़ उलमाए किराम, आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें इंडिया के अंदर हर फर्द इंसान को आपस में मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए, और खास करके इंडिया में अल्लाह तबारक ताला अमन व अमान का फिजा कायम करे। इस धरती के यानी इंडिया के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूद नसारा यानी हर फर्द इंसान को मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।